गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे। वेलकम टू द सिद्धि इंग्लिश स्कूल ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट, इंग्लिश में हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? चैप्टर टू। चैप्टर टू का नाम क्या है? थ्री लिटल पिग्स से रिलेटेड हमने स्टोरी राइट एंड लर्न कर ली थी। इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए थे नोटबुक में। आपने क्वेश्चन आंसर नोटबुक में राइट किए थे ना? ओके, नोटबुक में राइट कर लिए थे और लर्न भी करवाए थे मैंने आपको, शायद आपने लर्न भी किए होंगे। ओके, क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए थे, हार्ड वर्ड भी कर लिया था। ओके, सो आज हमें यहाँ पर क्या करना है? टुडे हमारा टॉपिक कौन सा है? विच एनिमल्स, फार्म एनिमल्स, वाटर एनिमल्स, जंगल एनिमल्स, डिफरेंट। ओके, कौन कौन से एनिमल्स जंगल में रहते हैं, फार्म पर रहते हैं या वाटर पर रहते हैं, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। देखो यहाँ पे क्या है, हॉर्स। पहले आपने अपना ऐसा बॉक्स बना लो, ये है आपकी नोटबुक। नोटबुक के अंदर स्केल से ऐसा बॉक्स बना लो। बना लिया। सबसे पहले यहाँ पर क्या राइट किया हुआ है? फार्म। यहाँ पे क्या राइट किया हुआ है? फार्म एनिमल राइट किया हुआ है। उसके बाद में है वाटर एनिमल, उसके बाद में है जंगल एनिमल। ओके, तो हॉर्स कहाँ रहता है? हॉर्स कहाँ रहता है बताओ तो? हॉर्स कहाँ रहता है? फार्म एनिमल है। हॉर्स कौन सा एनिमल है? फार्म एनिमल। बियर कौन सा एनिमल है? जंगल एनिमल। हॉर्स कहाँ रहता है? फार्म में। तो यहाँ पर फार्म राइट करो, फार्म राइट कर लिया। बियर कहाँ रहता है? जंगल। यहाँ पर जंगल राइट करो, जंगल राइट कर लिया। आगे क्या है? बफेलो। बफेलो कौन सा एनिमल है? फार्म एनिमल। तो यहाँ पर फार्म लिखो, राइट कर लिया। ओके बच्चों, अब देखो यहाँ पर है हैन। हैन कौन सा एनिमल है? फार्म एनिमल। तो हैन के आगे यहाँ पे लिखो फार्म, फार्म लिख दिया। डॉग, डॉग कौन सा एनिमल है? फार्म एनिमल। तो यहाँ पर लिख दो फार्म, राइट कर लिया। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल कहाँ रहता है बताओ तो जरा? क्रोकोडाइल कहाँ रहता है? फार्म पर रहता है? नो, जंगल में रहता है? नो, कहाँ रहता है? वाटर में। कहाँ रहता है? वाटर में। तो इसके आगे लिखो वाटर। आपने कभी क्रोकोडाइल को जंगल में देखा है? अपने फार्म में देखा है कभी क्रोकोडाइल को? नहीं देखा है ना? हाँ, कभी देखना भी मत, वाटर में ही देखना इसको। ओके, नेक्स्ट फ्रॉग। फ्रॉग कहाँ रहता है बताओ? फ्रॉग कौन सा एनिमल है? वाटर एनिमल। तो फ्रॉग के आगे भी राइट कर लो वाटर। फ्रॉग के आगे राइट करना है वाटर। आया समझ में? ओके, यहाँ पे क्या राइट किया हुआ है? काऊ। काऊ कौन सा एनिमल है? फार्म एनिमल। कौन सा एनिमल है? फार्म एनिमल। यहाँ पर फार्म एनिमल राइट कर लो, राइट कर लिया। मंकी, मंकी आपको कहाँ देखने को मिलता है? कहाँ देखते हो आप इसको? जंगल में। कहाँ देखते हो? जंगल में। तो काम यहाँ पे मंकी के नीचे लिखो जंगल, जंगल राइट कर लिया। ओके, जिराफ। जिराफ कहाँ देखोगे आप? जंगल में। जिराफ कहाँ मिलता है? जंगल में। यहाँ पे जंगल की स्पेलिंग राइट करो, राइट कर लिया। ओके, डायनासोर्स। डायनासोर्स कहाँ मिलेगा आपको? जंगल में। डायनासोर्स कौन सा एनिमल है? जंगल एनिमल। डायनासोर्स हमेशा कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। आया समझ में? अब इसको आपको नोटबुक में कैसे करना है मैं बता, देख रहे हो? अब हमारा क्या था, पहले फार्म एनिमल थे, यहाँ पे लिख दो फार्म, FARM, नोटबुक में राइट कर लिया फार्म। सेकंड कौन सा था? वाटर एनिमल। यहाँ पे राइट कर लो वाटर, वाटर राइट कर लिया। और उसके बाद में कौन सा था? जंगल एनिमल। तो यहाँ पर लिख दो जंगल, राइट कर लिया इसको ऊपर। ओके, ऐसे राइट कर लिया आपने। एक बॉक्स में लिख दो फार्म, एक बॉक्स में लिख दो वाटर, थर्ड बॉक्स में लिख दो जंगल। ओके, अब आपको ऐसा बॉक्स बनाना। अब यहाँ पर देखो हॉर्स, हॉर्स कहाँ रहता था? तो फार्म में रहता है। तो हॉर्स यहाँ, अब फार्म में जो जो एनिमल रहते थे, वाटर में कौन से एनिमल है, जंगल में कौन से एनिमल रहते थे, उनके नाम लिख दो। पहले था हॉर्स, हॉर्स फार्म में रहता था, हॉर्स का नेम यहाँ पर राइट कर लो। उसके बाद में बियर कहाँ रहता है? जंगल में। तो बियर का नेम यहाँ पर राइट कर लो। आया समझ में? ऐसे आपको राइट, देखो मैंने यहाँ पर सारे एनिमल के नाम राइट कर लिए।
फार्म में कौन कौन से एनिमल रहते हैं यहाँ पर राइड कर लिए, जंगल में कौन कौन से एनिमल रहते हैं यहाँ पर राइड कर लिए, एंड वाटर में कौन कौन से एनिमल रहते हैं यहाँ पर मैंने राइड कर लिए। आपको ऐसे ही ये नोटबुक में राइट एंड लर्न करना है। मैं आपको बाद में क्वेश्चन करूँगी, उसको मुझे आपको आपके मुझे आंसर बताने होंगे। ओके स्टूडेंट, नोटबुक में प्रॉपरली राइट एंड लर्न कर लेना।